तो फाइनली दोस्तों, आप सभी लोग के लिए एक गुड न्यूज आ चुकी है। मैं आपको बता दूं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से आप सभी लोग के लिए स्टिपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के अंतर्गत लेबोरेटरी की जो वैकेंसियां आई थी ना, उनके ऑफर लेटर आना स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं, 24 अक्टूबर 2024 को 3:50 पे ये वाली मेल आ चुकी है। आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट की मेल आ चुकी होगी। यदि आपने चेक नहीं किया है तो आप सभी लोग चेक कर लीजिए। यदि आपकी मेल अभी नहीं आई है तो आपको थोड़ा वेट करना है। हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की आपकी अदर यूनिट से नाम आए, ठीक है? तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपका भी मेल या फिर स्पीड पोस्ट जरूर आएगा, ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं, ये वाला जो ऑफर लेटर आया है कहां से आया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये वाला जो लेबोरेटरी का ऑफर लेटर है कहां से आया हुआ है, बार्क ट्रॉम्बे की तरफ से आया हुआ है। आप सब लोग देख सकते हैं, यानी कि मुंबई से आया हुआ, आप इतना समझिए, ठीक है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे से आया हुआ है, आप सब लोग देख सकते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह मैंने आपको ये तो बताया है ना कि आपकी जो स्टिपेंडरी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, इस पर 2 साल की ट्रेनिंग होती है। कितने साल की ट्रेनिंग होती है? 2 साल की ट्रेनिंग, यानी कि 24 मंथ की आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। इन 24 मंथ पे सबसे पहले 6 मंथ पे आपको, जैसे आप कॉलेज पे जाते थे ना, उसी तरह क्लासरूम प्रोग्राम होता था। और इसके बाद जो आपके 18 मंथ बन जाते हैं, इसमें आपके ट्रेनिंग के साथ साथ दोस्तों आपका यहाँ पे वर्क कराया जाता है, ठीक है? तो इतना आप सब लोग समझ गए ना। तो इसी के बेस पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप सब लोग देख सकते हैं, मेल पे सारी डिटेल बताई गई है, ठीक है? इसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब आपका एक इंटरव्यू होता है, ठीक है? यदि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है तब आप टेक्नीशियन सी बन जाते हैं, ठीक है, जिसकी पेमेंट लेवल 4 की रहती है। यदि आपका इंटरव्यू गड़बड़ जाता है तब आप टेक्नीशियन बी बनेंगे, जिसकी पेमेंट रहती है लेवल 3 की। आप सब लोग इतने देख सकते हैं, ये सारी डिटेल मेल पे बताई गई है। आप सभी लोग पढ़ भी सकते हैं, वैसे आप सभी लोग को पता होगा, ठीक है? दोस्तों मुद्दा तो ये आता है कि इस लेबोरेटरी के एक्सेप्टेंस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्योंकि दोस्तों इसकी डेट भी 4 नवंबर तक यहां पे बताई गई है कि आपको 4 नवंबर तक आपको यहां पे इसका मेल वगैरह रिप्लाई करना है, ठीक है? यहां पे मेल के थ्रू आपको यहां पे भेजना पड़ेगा। आप सभी लोग देख ही सकते हैं, ईमेल के थ्रू आपको यहां से भेजना पड़ेगा, आप यहां पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो पे दोस्तों मैं यहां पे कंप्लीट आपको बताने वाला हूं कि एक्सेप्टेंस फॉर्म को किस तरह से फिलअप करके आपको सेंड करना है, ठीक है? तो वीडियो पे आप बने रहिए, मैं सारी डिटेल आपको अच्छी तरह से बताने वाला हूं। आप अपने फोन से एक्सेप्टेंस फॉर्म को फिलअप करके सेंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जीमेल पे आना पड़ेगा, ठीक है? जिस जीमेल पे आपकी ऑफर लेटर वाली मेल आया है ना, आपको उसी पे जाना पड़ेगा। आप वहाँ से रिप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पे आपको एक कंपोज वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखला रहा हूँ, ठीक है? आप सभी लोग देख सकते हैं, आप सभी लोग जैसे ही कंपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने ओपन होकर आएगा, जहाँ पे सबसे शुरू पे आपकी अपनी ईमेल आईडी शो होने लगेगी। आप सभी लोग देख सकते हैं, इसके बाद दोस्तों आपको 2 पे क्या करना है, 2 मतलब आपको कहाँ पे भेजना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, आपके ईमेल पे वो वाली मेल आईडी लिखी हुई है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे बदलाव भी देखता हूँ। आप सभी लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा, ठीक है? तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट पे क्या लिखना पड़ेगा और कंपोज ईमेल पे आपको क्या लिखना पड़ेगा। सारी डिटेल मैं आपको अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इतना समझ गए ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर्म की जगह पे आपको क्या करना है, फॉर्म की जगह पे आपको अपनी ईमेल डालना है, ठीक है, जिस ईमेल से आप यहाँ पे सेंड करना चाहते हैं। हो सके दोस्तों जिस ईमेल पे आपकी यहाँ पे ऑफर लेटर है ना, उसी ईमेल से आप सभी लोग सेंड कीजिएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है? तो सबसे पहले फॉर्म की जगह पे आप अपनी ईमेल को लिख लीजिएगा। इसके बाद 2 की जगह दोस्तों आपको ये वाली ईमेल लिखना है, ठीक है? आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है? आप सभी लोग रिप्लाई भी करेंगे ना तो यही वाली मेल आएगी वहाँ पे। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, आपको इस मेल आईडी को 2 की जगह पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की जगह पे दोस्तों आपको ये लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको दे दूंगा तो आप सभी लोग वहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वगैरह लिखना पड़ेगा। तो आप सभी लोग को ये वाला फॉर्मेट समझ में आ गया ना। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, आप सभी लोग देख सकते हैं, ये दूसरा फॉर्मेट है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये दूसरा फॉर्मेट है, ठीक है? इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म की जगह पे आपको अपनी ईमेल लिखना पड़ेगा। इसके बाद 2 की जगह पे आपको ये वाली ईमेल लिखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट की जगह पे इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे लिखा ना इसको मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? तो आप सभी लोग डायरेक्ट कॉपी करके इस तरह से पेस्ट करके वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, ठीक? उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो एक्सेप्टेंस फॉर्म पे क्या क्या लिखना है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन पे जो भी डाउट हो आप मेरे
जल्दी से पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे टेस्ट लिखा हूँ ना, ये सारे टेस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे फॉर्मेट वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, आप इनमें से किसी भी फॉर्मेट पे भेज सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग को थोड़ा सा वेट करना है, हो सकता है कि ऑफर लेटर के साथ 1 से 2 दिन में या फिर जल्दी भी आपके पास वर्ड फॉर्मेट पे एक्सेप्टेंस फॉर्म का फॉर्मेट आ सकता है। इस वजह से दोस्तों आप सभी लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, यदि आपके पास फॉर्मेट नहीं आता है तो आप इस फॉर्मेट से सेंड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोग इतना समझ गए ना, कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं।